नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान औपचारिक रूप से आज से शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के अभियान की औपचारिक शुरुआत जयपुर ग्रामीण में जम्वारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से की है। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने को कहा। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, वोटर्स के दिल तक पहुंचेगा हाथ। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान औपचारिक रूप से आज से शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के अभियान की औपचारिक शुरुआत जयपुर ग्रामीण में जम्वारामगढ़ विधान ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभा क्षेत्र से की। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा खुद भी पैदल चले और लोगों को पत्रक भी बांटे। इसमें राहुल गांधी के संदेश वाले पत्र के साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियां और केंद्र की एनडीए सरकार की खामियों के पत्रक शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हाथ में लिया है। 2 महीने तक हमारे कुटिया साहब उसके इंचार्ज हैं, प्रदेश के पूरे हर 52,062 बूथों में जाकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा फहराएगा। जो राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जो जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर कर के जिन मुद्दों की बात की है, देश में जो डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, बेरोजगारी है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस अभियान के जरिए सभी बूथों तक पहुंचेगी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूत करेंगे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सब गांव में, ढाणी में हर व्यक्ति के पास जाना है, सरकार की अच्छी बातों को बताना है, केंद्र सरकार की विफलताओं को बताना है, राहुल जी किस उद्देश्य को लेकर के और ये यात्रा की है उसको लेकर के हमको उनका संदेश घर घर तक पहुंचाना है, ये सब चीज हमको करना है। पीसीसी चीफ ने लोगों से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभियान में रोजाना विधायक का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। जो कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो है इन कोई जरूरी को नहीं रोजाना एमएलए साहब आवे, प्रधान जी है, ब्लॉक अध्यक्ष जी है, सरपंच जी है, आप आपकी पंचायत में लाग जाओ और कदे उनली पंचायत में, कदे उनली में, कदे उनली में प्रोग्राम बना और गांव गांव ढाणी ढाणी के माना कह दो। अब भारतीय जनता पार्टी तो इस 60 दिन बाद के मायने चुनाव मुंडा गांव लाना पानी को नहीं मांगा। तो वही पीसीसी चीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक रूप से गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करने की नसीहत भी दी। डोटासरा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 4 साल में राज्य सरकार ने आम जन को राहत देने का हर संभव प्रयास किया है। डोटासरा ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजस्थान में तो बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब दिख रही है, बीजेपी में तो आपस में ही सिर फुटबॉल हो रहा है। तो वही पीसीसी चीफ ने कहा कि आप 60 दिन सक्रियता से लग जाओगे तो बीजेपी को समेटने का इंतजाम अपने आप कर दोगे। मैं स्थितियां है कि एक दूसरे का पोस्टर फाड़ बम लाग रहा है, समझ गए? 8-2 मुंडा खड़े है, 2-2 रोजीना फेयर एंड लवली लगा रहा है मुख्यमंत्री बन पा। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी बोर्ड में उतर चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाकर वोटरों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये
मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।